Welcome to Vipin Sharma Physics Channel and 10 plus 1 Physics. We are doing circular motion and students. आज मैं आपको सड़क के ऊपर जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक जब हम प्लेन सर्कुलर ट्रैक होता है, जैसे किसी भी प्लेन सिटी में, मैं हिल्स की बात नहीं करता, प्लेन सिटी में जैसे राउंड अबाउट होती है, वो बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, कोई भी सिटी हो, बड़ा सिटी छोटा सिटी, आजकल तो हर जगह पे राउंड अबाउट बनते हैं प्लेन। तो उस पे जब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हो तो आप ऐसे बाइक चला रहे हो तो जैसे ट्रैक आता है सर्कुलर तो आप ऐसे बेंड हो जाते हो, देखा ना आपने, ऐसे बेंड हो जाते हो, इस तरह से बेंड हो जाते हो। जब आप बेंड होते हो तो पूछो क्यों होते हो, कभी पूछा है यार हम बेंड क्यों होते हैं? देखो आज आप जब कोचिंग सेंटर से या स्कूल से जब आप वापस घर जाओगे तो राउंड अबाउट आएगा, तो आप बाइक पे जा रहे हो या साइकिल पे, स्कूटर पे, जिस पे भी हो, तो जैसे ही प्लेन सर्कुलर ट्रैक आता है तो आप प्लेन सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे बेंड होते हो। मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना हुए कि नहीं हुए, नोट करना। अगर आप बेंड नहीं होगे ना जी, आप सर्कुलर ट्रैक पे नहीं चल सकते, यू विल नॉट बी एबल टू नेगोशिएट द सर्कुलर ट्रैक। तो मैं एक राउंड अबाउट सर्कुलर ट्रैक एक पोर्शन दिखाता हूं, एक ये, और ये एक साइक्लिस्ट है। जैसे मैं बेंड हुआ, तो जैसे मैं बेंड हुआ तो ये मैंने एंगल बनाया थीटा विद दी नॉर्मल, थीटा विद दी नॉर्मल, और मैं इसको इधर भी स्केच कर रहा हूं, राइट। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरह से जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से जाएगा, क्यों? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे ये ठुल्लू है, ये मेरी गाड़ी की कॉयल है बेसिकली, तो ये काम आ रही है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये परपेंडिकुलर। अगर मेरा हाथ बेंड करता है तो ये भी बेंड करता है। मान लीजिए मैं साइक्लिस्ट हूं तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, अब मैं सीधा हूं तो ये भी सीधा है, अब जब मैं टेढ़ा हुआ तो ये भी, देखो टेढ़ा हो गया, हुआ ना। ये नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मेरे को एक बंदा कमेंट बॉक्स में डालता, कहता सर आपने बहुत अजीब से तरीके से समझाते हो बहुत सारी चीजें। भाई पता नहीं, बस मैं देखता रहता हूं क्लास में, जो मिल गया वो उठा लाया उसी से। हमारे चंडीगढ़ में एक नेकचंद रॉक गार्डन है, उन्होंने वेस्ट मटेरियल से गार्डन में, इतनी अच्छा इंस्पायर होता हूं मैं उनसे, तो वेस्ट चीजों से हम बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो जैसे ये कार का कॉयल था तो ये मेरे को नॉर्मल में भी समझाने में हेल्प कर रहा है, आगे भी बहुत कुछ देखते हैं कहां कहां यूज करेंगे, मैं यही छोड़ जाता हूं क्लास के अलमारी में। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जो इसका वेट है वो नीचे की ओर जाएगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये थीटा बन गया। अब दो कंपोनेंट बने, आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा। अब देखो आपको मालूम है, अब इतनी 15-16 वीडियो आप पढ़ चुके ऊपर से लेके प्लेलिस्ट में जाके, कि जब भी हम सर्कुलर ट्रैक में जाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है वेट बैलेंस, आर साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मान लीजिए इसका रेडियस आर बनता है, ट्रैक का रेडियस क्या बनता है? आर बनता है। तो आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर कॉस थीटा दैट इज एम जी, आर कॉस थीटा दैट इज एम जी, आर साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम डिवाइड करेंगे आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस इज टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी,
दिस इज टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जब भी हमने सर्कुलर ट्रैक को नेगोशिएट करना है तो हमें बेंड करना पड़ेगा, और जो बेंड करेंगे तो v इक्वल टू आर जी टेन थीटा अंडर द रूट, ये वेलोसिटी हमें मिलेगी। नोट कर लो इसको, तो v इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अब आपने फ्रिक्शन में पढ़ा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो v इज आल्सो इक्वल टू म्यू आर जी। तो स्टूडेंट ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी से बात करते हैं। लुक स्टूडेंट्स, इफ थीटा इज जीरो, अगर आप बेंड नहीं करते, मान लो आप सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हो और आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, आप बेंड नहीं कर रहे, राइट, तो क्या होगा, थीटा इज जीरो विद नॉर्मल। इफ थीटा इज जीरो तो टेंजेंट जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज वी, आर जी जीरो, तो वी इक्वल टू जीरो। आपकी जो वेलोसिटी वो अवेलेबल ही नहीं होगी, आपको स्पीड ही नहीं मिल पाएगी, आपको वी जीरो हो गया, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो। सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं आपको मिलेगा, जब सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं आपको मिलेगा तो इसका मतलब है यू कैन नॉट नेगोशिएट द कर्व। हाउ्स इट, इंटरेस्टिंग, नोट कर लो, आई एम नॉट इन हरी। तो स्टूडेंट्स नोट हो गया, तो यहां से इतनी बात क्लियर होकर निकलती है कि टू नेगोशिएट अ सर्कुलर लेवल्ड ट्रैक द साइक्लिस्ट और द मोटर साइक्लिस्ट और द स्कूटिस्ट मीन्स कोई भी टू व्हीलर वाला साइक्लिस्ट हो, मोटरसाइकिलिस्ट हो, बाइक वाला हो, ठीक है, जेंडर आप अपने हिसाब से बदल लेना, ठीक है, तो वो आपको बेंड करना ही पड़ेगा। अगर आप बेंड नहीं करोगे तो आपको पॉसिबल ही नहीं है कि आप नेगोशिएट कर पाओ, आपको सेंट्रीपेटल फोर्स ही नहीं मिलेगी। तो जब भी कोई साइक्लिस्ट बेंड करता है तो उससे क्या होता है कि जो उसका नॉर्मल रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाता है और आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाता है, तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाता है, वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा होता है, वी इक्वल टू म्यू आर जी होता है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू होता है, थीटा इक्वल टू जीरो होता है, टेंजेंट जीरो जीरो होता है, वी इक्वल टू आर जी इंटू जीरो होता है, तो वी इक्वल टू जीरो हो जाता है, दैट्स इट। सो ऐसे करते हैं, एक टॉपिक और करते हैं हम, लेवल्ड सर्कुलर ट्रैक पे फोर व्हीलर स्टडी करते हैं, ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। वेल स्टूडेंट्स, द सेकेंड पार्ट इज कार ऑन ए लेवल्ड ट्रैक। आपने लेवल्ड ट्रैक पे कार को देखा, कार तो खैर सभी बड़े बंदे हैं आप लोग, कार तो देखे ही आपने लेवल ट्रैक पे चलती नहीं, नहीं देखी तो फिर चलो आज मैं कार ही दिखाता हूं आपको। ये गाड़ी है, राइट, तो ये कार है और ये कार एक सर्कुलर ट्रैक पे, मैं पलटता हूं पहले, ये सर्कुलर ट्रैक पे ये ऐसे है, ये कार सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे आ रही है, ये कार सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे आ रही है। अब सबसे पहले आप एक काम करो यार, इस पूरे ट्रैक के ऊपर ना लुब्रिकेंट गिरा दो। क्या गिरा दो? लुब्रिकेंट, मोबिल ऑयल टाइप, जो फ्रिक्शन को जीरो कर दे, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर लुब्रिकेंट सारा गिरा दिया, अब ये कार चली, जैसे ही कार यहां आई लुब्रिकेंट स्लाइड करके इधर चली गई। फिर से देखो, जैसे ही ये कार यहां आई लुब्रिकेंट स्लाइड करके इधर चली गई। क्यों? कार को सर्कुलर ट्रैक में चलने के लिए क्या चाहिए? जी, फ्रिक्शन चाहिए।
क्योंकि फ्रिक्शन गाड़ी को क्या प्रोवाइड करती है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कौन देगा जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको एफएम की जगह मैं एफएफ लिख देता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एफएफ छोड़ो यार, एफ ही लिख लो, लिख दो नीचे फिर, वेयर एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एम इज द मास ऑफ द व्हीकल, वी इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, आर इज द रेडियस। क्या बोलेंगे इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये गाड़ी कब तक चलेगी जी, ये तब तक चलेगी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू ये लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, करेक्ट। ओके, तो मिनिमम इक्वल ठीक है, तो एफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर है तो ये कार सर्कुलर ट्रैक में चलेगी, नहीं तो ये स्किड कर जाएगी। अपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, वो पुरानी पिक्चरों में जो विलन समुद्र के किनारे गाड़ियां चल रही होती हैं, ठीक, तो गाड़ियां स्किडिंग मार रहे होते हैं, ऐसे ऐसे स्किड नहीं कर रहे होते, तो वो यही चक्कर होता है, वो एकदम से तेज चला के स्किड मार रहे होते हैं गाड़ी को। स्किड क्यों होती है गाड़ी, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल नहीं है बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो गाड़ी क्या करेगी, स्किड करके परे चली जाएगी, ठीक। तो आर किसके इक्वल है जी, एम जी, तो एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी, क्लियर जी। और हम लिखेंगे जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी, एम गेट्स कैंसल्ड, तो v स्क्वायर अपॉन r लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी, और v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो ये हमें मिली स्पीड जो कि सर्कुलर ट्रैक पे हम निगोशिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड क्या आएगी, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। म्यू एस कौन है जी, कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस कौन है जी, कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आर कौन है जी, नॉर्मल रिएक्शन। जी कौन है जी, ग्रेविटी। तो जब भी कोई कार सर्कुलर ट्रैक पे चलती है तो उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अगला टॉपिक है कर्व बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक, क्यों हम करते हैं, फॉर एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ाने के लिए, वो अगले वीडियो में आएगा, अगले लेक्चर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल आपका चैनल है, होप यू आर लर्निंग फिजिक्स थ्रू एन इजी वे, एंड कोई सजेशन हो तो डू पुट इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।